चोरों के निशाने पर सोलन के मंदिर आ चुके हैं। वह लगातार शहर के मंदिरों को अपना निशाना बना रही है। हैरत इस बात की है कि अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दो बार अस्पताल के समीप नरसिंह मंदिर में चोरी हो चुकी है। अब सोलन के चौक बाजार में स्थित वाल्मीकि मंदिर में चोरी को अंजाम दिया गया है। जब मंदिर में पूजा करने के लिए स्थानीय लोग पहुंचे तो पाया कि मंदिर के ताले टूटे पड़े हैं। मंदिर में रखा दान पात्र और आभूषण गायब है। इस बात की सूचना आसपास के लोगों को दी गई। सभी नागरिक मौके पर एकत्र हुए और इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आग्रह किया कि वह बाजारों में अपनी गश्त बढ़ाएं और जो नशेड़ी है उनकी कुछ उचित व्यवस्था करें, अन्यथा इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जाएं। मेरा नाम प्रेमचंद मट्टू है। मैं प्रधान वाल्मीकि पर्व सुधार समिति का प्रेसिडेंट हूँ, प्रधान हूँ। मैं यहाँ डेली धूपबत्ती करता हूँ, सवेरे भी शाम को भी। आज जब मैं यहाँ पर धूपबत्ती करने आया सवेरे 7:30 बजे, तो यहाँ कुछ चढ़ चढ़ी भी थी। कल छोटी दिवाली थी, उस पर लोगों ने मत्था टेकवा था। उसमें एक 10 का नोट और एक 5 का सिक्का था। मैं मतलब उसके बाद अपने जो मैंने उनकी वो किया है, अपनी जो धूप बत्ती करी है, उसके पश्चात जब मैं वो पैसे उठा के उस गल्ले में डालने लगा तो वहाँ गल्ला था ही नहीं। मैंने उसके बाद इनको इन्फॉर्म किया, हमारे दूसरे बंधु हैं 2-3, उनको भी इन्फॉर्म किया, लेकिन वो गल्ला यहाँ पर नहीं था, जो कि यहीं हमेशा रहता था। उसी में हमारा जो चढ़त थी वो उसी में डालते थे, जो भी श्रद्धालु लोग आते थे। चढ़त जो होती थी वो गल्ले में ही डाला करते थे। वो एक परमानेंट गल्ला था, जो कि आज मुझे नहीं मिला। उसकी मैंने इनकी जानकारी अपने इनको दी, सदस्यों को दी, विजय कुमार जी को दी, रिंकू जी को दी, राजू जी को दी। उस टाइम कोई गले में होगा, कोई करीब 10,000 से ऊपर ही होगा, क्योंकि चढ़त भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जो अभी रिसेंटली हमारे पास अभी वाल्मीकि शोभा यात्रा का भी था और वाल्मीकि जयंती भी थी, और उसके साथ साथ हमारा चांदी का छतर जो था वो भी चोरी हुआ। बिल्कुल नशेड़ियों का काम होगा, क्योंकि यहाँ गली में नशेड़ी हर टाइम तो घूमे रहते हैं, यहाँ पर नशेड़ी चले रहते हैं।